नमस्कार। जब आप न्यू पेरेंट्स बनने जा रहे होते हैं तो ऐसे में आपके साथ आपके परिवार की जो क्यूरियोसिटी होती है काफ़ी बढ़ने लग जाती है एक लड़के के प्रति, और फिर आप अपने जो सिम्टम है वो दूसरों से मैच करने लग जाते हैं, या यूँ कहें कि दूसरे लोग जो सिम्टम बताते हैं वो कहीं ना कहीं आप अपने में फील करने लगते हैं कि हाँ ये सिम्टम भी है, ये भी सिम्टम है, ये भी सिम्टम है, मतलब मुझे लड़का होगा। तो अगर आपका पोस्टीरियर पोजीशन है या पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेसेंटा पोजीशन किसे कहते हैं। तो जो प्लेसेंटा पोजीशन है जिसमें एक बच्चे का पूरा भरण पोषण, उसके ऑक्सीजन से लेकर उसके खून की सप्लाई तक सारा कुछ जो काम है गर्भ के अंदर वो प्लेसेंटा करता है एक बच्चे के लिए, ठीक वैसे ही जैसे जन्म देने के बाद एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। ठीक है, अब आपको पता ही है कि प्लेसेंटा की पोजीशन कौन कौन सी होती है। तो आइए एक छोटी सी जानकारी जानते हैं कि प्लेसेंटा पोजीशन कौन कौन सी होती है। पहला तो एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर, तीसरा फंडो, चौथा लो लाइन प्लेसेंटा, पांचवा प्लेसेंटा प्रीविया। तो इनका पोजीशन कहाँ कहाँ होता है एक गर्भाशय में। तो अगर गर्भाशय के पीछे जो पोजीशन होता है वो पोस्टीरियर का होता है, गर्भाशय के जो आगे पोजीशन होता है वो एंटीरियर कहलाया जाता है, गर्भाशय के नीचे यानी जो मुख में सर्विक्स पे जो होता है वो प्लेसेंटा प्रीविया। और तो और गर्भाशय यानी जो आपका जो सर्विक्स है उसके आस पास का जो एरिया है वहाँ पर लो लाइन प्लेसेंटा। तो अब बात करते हैं मेन बात पर, क्या पोस्टीरियर प्लेसेंटा से लड़के का कोई संबंध है। तो मैं यहाँ पे आपको डाउट क्लियर कर दूँ, बिल्कुल भी संबंध नहीं है। प्लेसेंटा का किसी भी लिंग से कोई भी संबंध नहीं है, ना लड़के से ना लड़की से। प्लेसेंटा का काम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर खून पहुँचाना, प्रॉपर ऑक्सीजन देना, प्रॉपर भरण पोषण करना, जो माँ जो चीज़ सेवन कर रही है उसको सही तरीके से बच्चे तक पहुँचाना ताकि बच्चे का विकास अच्छे से हो जाए। तो इसका कोई भी संबंध नहीं है एक लड़का और एक लड़की से। अब लोग क्या कहते हैं, मिथ है, लोग बोलते हैं जिनको पोस्टीरियर पोजीशन होता है उनको प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस होते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिथ, लोग बोलते हैं कि पोस्टीरियर पोजीशन में सबसे ज़्यादा आपको किक महसूस होती है, वैज्ञानिक तौर पे इसका भी कोई पुष्टि नहीं किया गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने आपकी जो डाउट है वो क्लियर कर दिए हैं। और हाँ, एक चीज़ का और बात है, ऐसा कई बार होता है कि आप जब अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे तो आपको पोस्टीरियर पोजीशन दिखाता है, और उसके कुछ महीनों बाद जब आप दूसरा अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे तो आपको एंटीरियर दिखाने लग जाता है। तो जो प्लेसेंटा है वो चेंज होता रहता है, या यूँ कहें कि बच्चा ही प्लेसेंटा चेंज कर देता है, क्योंकि कुछ बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इतने नटखट शरारती होते हैं कि वो अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो इसलिए प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइन प्लेसेंटा जो है उसमें डॉक्टर आपको सिर्फ और सिर्फ बेडरेस्ट की सलाह देते हैं, इसलिए ताकि अगर बच्चा अपना पोजीशन चेंज कर लेता है तो बहुत ही अच्छा। कुछ केसेस में देखा भी गया है कि जिनको प्लेसेंटा प्रीविया का प्रॉब्लम रहा है तो उनके जो बच्चों ने एंट्री पोजीशन ले ली तो सब कुछ अच्छे से रहा। हाँ, प्लेसेंटा पोजीशन का रिलेशन तो लड़के लड़के से बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ नॉर्मल डिलीवरी और सीजन से ज़रूर है। अगर आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांस रहते हैं, और अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा है या प्लेसेंटा प्रीविया है तो आपको सीजेरियन के चांस रहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और मेरा वीडियो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करने का था। तो आप किसी के भी बहकावे मत आए, अपना ध्यान रहें और स्वस्थ रखें, और लड़का लड़की दोनों बराबर इस चीज़ का ध्यान रखें। नमस्कार।